नमस्कार दर्शकों, केएनएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। शासकीय महाविद्यालय आलोट में जन भागीदारी समिति द्वारा फीस वृद्धि व अन्य समस्याओं को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत कुछ दिन पूर्व जन भागीदारी समिति द्वारा वाणिज्य सांख्य में पढ़ रहे बच्चों की फीस 3800 से बढ़ाकर समिति ने 6000 कर दी है। यह निर्णय पूर्ण रूप से छात्रों के हित में नहीं है। सीधे 2200 रुपए बढ़ने से ग्रामीण व अन्य विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह निर्णय असंतोषजनक बताया गया। महाविद्यालय में चल रही समस्याओं में पार्किंग सुविधाओं का अभाव, शौचालय में गंदगी, गेट का अभाव, शिक्षक व कर्मचारियों का समय से नहीं आने के साथ ही विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति में समस्या भी मुख्य बिंदु है, जिससे सभी छात्राओं में रोष की भावना उत्पन्न हो रही है, जो कि एक आंदोलन का रूप भी ले सकती है, जिस पर राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा समिति के द्वारा एक बैठक के निर्णय को परिवर्तित करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर कॉलेज घेराकर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इसकी समस्त जवाबदारी कॉलेज प्रशासन व जन भागीदारी समिति की रहेगी। आलोट से नवीन पहाड़िया की रिपोर्ट। विषय जन भागीदारी समिति द्वारा फीस वृद्धि अन्य समस्याओं को बाबत उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि कुछ दिन पूर्व जन भागीदारी समिति द्वारा वाणिज्य संकाय में पढ़ रहे बच्चों की फीस 3800 से बढ़ाकर समिति ने 6000 कर दी। यह निर्णय पूर्ण रूप से छात्रों के हित में नहीं है। सीधे 2200 रुपये बढ़ने के भार से ग्रामीण और अन्य विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह निर्णय असंतोषजनक है। महाविद्यालय में और भी अन्य समस्याएं जैसे कि पार्किंग सुविधाओं का अभाव, शौचालय में गंदगी, गेट का अभाव, शिक्षक कर्मचारियों का समय से न आना, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में समस्या के बिंदु है, जिससे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आदरणीय फीस वृद्धि का निर्णय छात्र विरोधी निर्णय है। इस निर्णय से सभी छात्र छात्राओं में रोष की भावना उत्पन्न हो रही है, जो कि एक खुद आंदोलन में बदल सकती है। अतः आपसे निवेदन है कि यह निर्णय समिति की एक और बैठक रखकर परिवर्तित किया जाए, नहीं तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ द्वारा लड़ाई को सड़कों पर लड़ाया जाए। इसकी समस्त जवाबदारी आपकी और प्रशासन की। 7 दिन का समय इसका।